ये देश में जब बांग्लादेश की घटना घटी थी, हिंदुओं पे अत्याचार हुए थे, उस समय कांग्रेस के नेताओं ने कहा था, सलमान खुर्शीद ने कहा था और भी कई नेताओं ने कहा था कि भारत में भी बांग्लादेश की तरह होगा। मुझे लगता है बबोट के नाम पर ये भारत में राहुल गांधी गृह युद्ध करवाना चाहते हैं और गृह युद्ध करवाने के लिए नए नए टूल किट बना रहे हैं। और ये लेकिन ध्यान रखें, ये कांग्रेस के कुकृत राहुल गांधी का ये सपना पूरा नहीं होगा, क्योंकि भारत के युवा जग चुके हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि मदनी ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार से हम ये आग्रह कर रहे हैं कि वह बिल का विरोध करें, मुसलमानों की जमीन छीनने का प्रयास किया जा रहा है बीजेपी द्वारा। बब बोर्ड और घोषित जमीन कब्जा करने का माफिया है, लैंड माफिया। बिहार के पटना के बगल में, फतुहा के बगल में एक गांव बरसों से हिंदू रह रहे हैं, ऐसे कई गांव हैं जिस पर वो दावा ठोक रहे हैं। हंसी तो तब आती है जब संसद को भी कह देते हैं कि ये बब बोर्ड की जमीन है। मुझे पता नहीं कब कह दे कि संसद से लेके पूरा देश बब बोर्ड के जमीन पर ही है। मुझे तो ताज्जुब होता है बब बोर्ड के बहाने कांग्रेस एक साजिश कर रहे हैं भारत में गृह युद्ध करवा। लेकिन क्या लगता है कि एनडीए आपके साथ एकजुट रहेगा, क्योंकि उनकी कोशिश यही है कि नीतीश कुमार और जो चंद्रबाबू नायडू हैं उनको तोड़ा जाए। आप चिंता ना करें, आने दीजिए समय, सब जैसे ठीक था वैसे ही ठीक। उपचुनाव में फिलिस्तीन की भी एंट्री हो गई है। एमआईएम के जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो ये कह रहे हैं कि फिलिस्तीन में जिस तरीके से मुसलमानों को वो टारगेट किया जा रहा है, उसका जवाब देने का वक्त आ गया है। पता नहीं, कभी म्यांमार में कुछ होता है तो पेट में दर्द होता है, फिलिस्तीनी में होता है तो पेट में दर्द होता है। जब हम कहते हैं हिंदू इकट्ठा रहे, बटोगे तो कटोगे, तो और पेट में दर्द होने लगता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसका जवाब चुनाव में देश की जनता जगह जगह पर देगी, यूपी में भी देगी, बिहार में भी देगी, झारखंड में भी देगी, महाराष्ट्र में भी देगी। अंतिम क्वेश्चन, कटेंगे को लेकर बहुत तेजी से बात हो रही है, इसके विरोध में जो विपक्ष है वो तमाम तरह के पोस्टर जारी कर रहा है। वो तमाम तरह के जिंदगी भर पोस्टर जारी किए हैं। अखिलेश यादव के पिताजी ने क्या किया था, उसी डीएनए के अखिलेश यादव हैं जिन्होंने राम भक्तों पे गोली चलाई थी। इनका डीएनए तो वही है, उनको जोड़ोगे तो जीतोगे, उनका यही है। और आपकी आप घबराए हैं आपकी जो यात्रा बिहार में हिंदू हिंदुओं को एकजुट करने की, क्या रिस्पांस रहा है, क्या उम्मीद कर रहे हैं आप लोग? हम हिंदुओं की बात करते हैं, हिंदुओं की बात करते रहे। पप्पू यादव अभी भी घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। अरे मैं उनको क्या जानू, काहे घबराए हुए हैं, वो जाने क्यों बोले, वो जाने, हम उसमें कहाँ पड़े।